Yes, please. जी ये कागज है, मिस्टर भट्टी से साइन करवा दीजिए, और ये गार्ड्स हैं आपकी सुरक्षा के लिए। ये गार्ड्स किसने भिजवाए हैं? सरकार ने भिजवाए, मिस्टर भट्टी की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उन्हें तो सिवा मेरे किसी और का डर ही नहीं। जी आप रुकिए, मैं जरा पता करती हूँ। ठीक है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्वायरमेंट दी थी? सिक्योरिटी? मैंने सिक्योरिटी क्या करनी थी, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। किसी डाकू लुटेरे ने आपको कोई थ्रेट कोई धमकी तो नहीं भेजी? मेरा मतलब है आप मुझे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? क्या मजाक है सुबह सुबह, तुम्हें पता है कि लस्सी पीते हुए मैं कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बाहर से सिक्योरिटी वाले क्यों आए हुए हैं? तो कह दो उन्हें हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जी नहीं, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए डिसाइड करना आपका काम नहीं, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि CID की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर भट्टी के पीछे गुंडों का एक खतरनाक गिरोह लगा हुआ है। अच्छा, आप घबराइए नहीं, ये गार्ड्स 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। ये कागज साइन मैं करवा के भिजवा दूंगी। जी केयर सिंह, मेयर सिंह, यस सर, टेक ओवर कर लो। राइट सर। ओ पिंटू। हाँ जी। ओ पेस लेके आ अंदर से मेरे लिए। अच्छा जी। ओ सुन सुन सुन, मेरे लिए ब्रश भी लेता। अभी लेके आया जी। हाँ भी सर, बाहर सिक्योरिटी वालों को पेस्ट और ब्रश चाहिए सर। ओहो पेस्ट भी उन्हें अपनी लो, ये लो सर। ब्रश सर? तो ब्रश ही तो मेरा है सर, मैं यही उनको धोखे दे देता हूँ सर। और मैं? आप मन्ने से काम चले सर, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए। पिंटू देख वो सिक्योरिटी वालों ने नहा लिया, तो उनको नाश्ता भेजो। अच्छा जी। ये अच्छी बात है, 4 परांठे अपने बनाओ और 16 उनके। ये सामने वालों ने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? पता नहीं, लगती तो ये शरीफ आदमी है, किसी से झगड़ा भी नहीं सुना आज तक। क्या पता चलता है, बाहर से तो सारे ही शरीफ नजर आते हैं, पर अंदर पता नहीं कितना पैसा छुपा रखा हो। 315 वालों ने अचानक सिक्योरिटी रख ली है, लगता है उनके पास पैसा कुछ ज्यादा ही आ गया है। पर बॉस हमने इतना पैसा करना क्या है, रहना तो हमने खंडरों में ही है। शट अप, बदमाश हमेशा खंडरों में ही जचते हैं, ये सोचो कि पैसा लूटा कैसे जाए। पर बॉस उसके पास तो बहुत सिक्योरिटी है। पीटर को भी लूटने का उतना ही मजा आता है जितनी किसी के पास ज्यादा सिक्योरिटी हो। वैसे बॉस वहां रहता कौन है? भट्टी नाम का एक आदमी, जहां जाता है 2 गनमैन हमेशा साथ रखता है। आप कहाँ आ रहे हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। ओ यार मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ। सॉरी सर, हम यही इंतजार करते हैं। यार आप मेरा पीछा छोड़ कर नहीं देते? हमारी तो ड्यूटी आपका पीछा करना है, हमें तनख्वाह मिलती है सर। ओ लेकिन मेरी सारी तनख्वाह तो आपकी मेंटेनेंस पे लग जाती है ना। ओ, पीटर नाम है मेरा। तो मैं क्या करूँ भाई, मैं यहाँ कोई वोटर लिस्ट बनाने आया हूँ। देखो शहर का सबसे बड़ा बदमाश मेरा बॉस है। लेकिन तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन? सुनो, 4 तारीख को शाम 4 बजे से पहले 4 लाख रुपए हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। चाचा 4 लाख? हाँ, और अगर शाम 4 बजे से पहले 4 लाख नहीं पहुंचाना तो तुम्हारे ये सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हारा कुछ नहीं बचा सकेंगे। तो तुम तो असली बदमाश लगते हो। इसमें गोलियां भी असली हैं। ठीक है, इसे रखो, मैं इंतजाम करता हूँ कोई ना कोई। हाँ, और अब तुम टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो जरूरत ही कोई नहीं यार, बीच में हो गया। ओ भाई आप लोग यहाँ खड़े हो? सर आप ही ने तो कहा था बाहर खड़े रहो। लेकिन आप लोगों की ड्यूटी यही है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, इसीलिए आपको लगाया, सिक्योरिटी इसीलिए होती है। आओ मेरे साथ चलो, जल्दी ध्यान से। सॉरी भट्टी साहब, वो गलती हो गई,
एक्चुअली सिक्योरिटी मिस्टर जयपाल भाटिया को मिलनी चाहिए थी, वो चिट्ठी पढ़ने में गलती हो गई। लेकिन अब तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सॉरी सर, ये डिसाइड करना कि सिक्योरिटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपका नहीं, हमारा काम। Full tension.